हेलो फ्रेंड्स, रिचा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। प्रयागराज से मैं के सिंह। आज प्रेडिकेट पार्ट का ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा होगी, हेडिंग बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म के नाम से जाना जाता है। कर्म को अलग अलग रूपों में लोग परिभाषित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये सब सारी बातों को इंग्लिश ग्रामर में लेकर नहीं चलना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सीधा सा मतलब होता है कि वर्ब का प्रभाव जिन शब्दों पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ब का प्रभाव, वर्ब का इम्पैक्ट, वर्ब का प्रभाव जिन शब्दों पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस इतने से मतलब है। ऑब्जेक्ट देखा जाए तो ये दो प्रकार का होता है ऑब्जेक्ट। एक तो होता है लिविंग और दूसरा होगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। दो प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, एक तो लिविंग होता है और दूसरा नॉन लिविंग। दो प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। तो ध्यान देंगे, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट में लिविंग को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं एनिमेट। इसी का दूसरा नाम होता है एनिमेट, इसी को एनिमेट कहते हैं। इसका एक तीसरा शब्द भी है लिविंग को, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसी का नाम होता है भाई। और दूसरा नॉन लिविंग का ऑब्जेक्ट होता है इनएनिमेट, इसी का तीसरा नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट तीन प्रकार का होता है। पहला हो गया लिविंग ऑब्जेक्ट, इसी का दूसरा नाम क्या है एनिमेट ऑब्जेक्ट, इसी का तीसरा नाम क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीन नामों से जाना जाता है। और दूसरा इसका नाम होता है नॉन लिविंग, दूसरे प्रकार का जो ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग। इसी नॉन लिविंग का दूसरा नाम क्या है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इसी का तीसरा नाम क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखने में हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि लिविंग वाले को डायरेक्ट कहा जाए, नॉन लिविंग वाले को इनडायरेक्ट कहा जाए, लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण हम आपको बताएंगे। इसमें बहुत सोचने की बात है। तो ऑब्जेक्ट अलग अलग रूपों में पाया जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के रूप में। तो आइए देखते हैं, एक एक की चर्चा करते हैं, एक एक की व्याख्या करते हैं ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे ऑब्जेक्ट के प्रकार में। पहला ऑब्जेक्ट हो जाएगा लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग। और इसी को क्या बोलते हैं लिविंग वाले को? लिविंग वाले को ही कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है एनिमेट ऑब्जेक्ट। अब अगर देखा जाए तो एक ही शब्दावली यानी एक ही प्रकार का कॉन्सेप्ट तीन नामों से अलग अलग जाना जा रहा। इसको हिंदी में सजीव या हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष, सजीव या इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट शब्द जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष। हो गया। अब देखिए सजीव क्या होता है, ध्यान देंगे। जब वर्ब का प्रभाव प्रेडिकेट पार्ट के किसी भी शब्द पर पड़ रहा हो, तो जिस शब्द पर वर्ब का प्रभाव पड़ रहा हो अगर उसके अंदर सजीवता पाई जा रही है, वो अगर सजीव है बाय नेचर, उसमें जीव है, तो उसको हम बोलेंगे लिविंग ऑब्जेक्ट। उसी का दूसरा नाम क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसी का नाम क्या होगा एनिमेट ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे हम कहें कि माई फ्रेंड इज टीचिंग मी नाउ अडेज, टीचिंग मी नाउ अ डेज, ये लिखा गया सेंटेंस। ध्यान देंगे माई फ्रेंड, ये क्या हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट,
और यहां से लेकर यहां तक ये तो आपको पता ही है, ये पार्ट बन गया प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब प्रेडिकेट पार्ट में सबसे पहला काम हमको ये करना है, लिविंग नॉन लिविंग पहचानने के लिए भी पहला काम करना है वर्ब को जान लेना है। वर्ब आप लोग पीछे पढ़े ही हैं, ये टीचिंग हो गया वर्ब। अब इसी वर्ब में दो प्रश्न कर लेते हैं, पहला प्रश्न क्या और दूसरा प्रश्न किसे। ध्यान देंगे किसे से जो जवाब मिलता है यही होता है लिविंग ऑब्जेक्ट, और जो क्या से जवाब मिलता है यही होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग बन जाता है। तो क्या से जो हमको जवाब मिले, जो क्या से जो हमको आंसर सेंटेंस मिलता है वही ऑब्जेक्ट हमेशा क्या वाला जो होता है, सॉरी किसे से जो जवाब मिलता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो माय फ्रेंड इज टीचिंग, मेरा मित्र पढ़ा रहा, पहला प्रश्न करेंगे क्या पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है, आंसर मिला मुझे, मुझे यानी मेरे में जान है, मेरे में जीव है, मेरे में सजीवता पाई जा रही है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, यही ऑब्जेक्ट हुआ और इस ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा लिविंग ऑब्जेक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, एनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमेट ऑब्जेक्ट। इसी का तीसरा नाम क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट नहीं ध्यान देना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीन नामों से जाना जाता है, जनरली एग्जाम में एनिमेट आजकल पूछा जाता है। तो एक बात केवल ध्यान रखनी है कि जब वर्ब के साथ सजीव शब्द मिलता है, वर्ब के साथ सजीव ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसका नाम हो जाता है लिविंग ऑब्जेक्ट, निर्जीव मिलता है नॉन लिविंग। चलिए अब इसका नॉन लिविंग वाला हम देख लेते हैं। जैसे हम कहें अगला दूसरी हेडिंग है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव होता है, इसका नाम अलग पीछे हम आपको बताए हैं। नॉन लिविंग को इन एनिमेट भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इन एनिमेट, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। और इसी का तीसरा नाम क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट। देखने में लग रहा है कि इसको इनडायरेक्ट कहा जाता ज्यादा ठीक है, कारण अभी हम बताएंगे, बिल्कुल सही है। तो तीन नामों से जाना जाता है भाई ये, एक तो नाम क्या हो गया नॉन लिविंग, दूसरा नाम क्या हुआ इनएनिमेट, तीसरा नाम हो गया डायरेक्ट। तीन नामों से जाना जाता है। नॉन लिविंग मतलब हिंदी क्या होती है, निर्जीव। और इधर अगर देखें इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, सॉरी डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष, निर्जीव या प्रत्यक्ष। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म के रूप में इसको जानते हैं, कर्म हो गया। अब एक सेंटेंस इसमें भी लेते हैं, जैसे हम कहें कि माई फ्रेंड इज टीचिंग, टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स टूडे, ये है। इसको तोड़िए, आप लोग सेंटेंस को ब्रेक करना सीख गए हैं, समझ, ये हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट, और यहां से लेकर यहां तक चलेंगे तो ये कौन सा पार्ट बन गया, प्रेडिकेट पार्ट, यहां से लेकर यहां तक प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का सबसे सुलभ मार्ग होता है, सबसे पहले हम वर्ब पता करते हैं। वर्ब क्या है, टीचिंग है, यहाँ पर ये वर्ब हो गया टीचिंग, ये वर्ब है। इसी वर्ब में दो प्रश्न कर लेते हैं, पहला प्रश्न क्या करेंगे, पहला प्रश्न क्या और दूसरा प्रश्न किसे। अब जरा देखिए, हम आपको पहले भी बताएं किसे से लिविंग मिलता है, लिविंग ऑब्जेक्ट, और क्या से नॉन लिविंग मिलता है, नॉन लिविंग मिलता है, नॉन लिविंग। तो माय फ्रेंड इज टीचिंग मैथमेटिक्स टुडे, मेरा मित्र आज गणित पढ़ा रहा, पहला प्रश्न करेंगे व्हाट टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है, आंसर मिला मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इसका नाम और क्या हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका नाम और क्या हो सकता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। इसका तीन नाम है, नॉन लिविंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, निर्जीव ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसमें सजीवता नहीं पाई जा रही, निर्जीव है, इसलिए इसका नाम हो गया निर्जीव ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि लिविंग वाले को इनडायरेक्ट कहा जा रहा है और नॉन लिविंग वाले को डायरेक्ट कहा जा रहा है, जबकि सुनने में ये उल्टा लग रहा है, लिविंग वाले को डायरेक्ट कहा जाए, नॉन लिविंग वाले को इनडायरेक्ट कहा जाए, तो सुनने में भी अच्छा लगेगा और समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कि इसका अपना कोई एक थोड़ा सा फिनोमिनल फंक्शन होता है, कोई एक प्राकृतिक कार्य इसका होता है,
जो लिविंग वाले को इनडायरेक्ट बोला जाता है, नॉन लिविंग वाले को डायरेक्ट बोलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला काम आप लोग ये करिए कि ऑब्जेक्ट की भी एक डेफिनेशन लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, सॉरी डेफिनेशन नहीं, फार्मूला। तो ऑब्जेक्ट अगर दोनों आ जाता है सेंटेंस में, कैसे व्यवस्थित करेंगे आप लोग लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इक्वल टू लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। इस पर स्पॉटिंग एरर खूब पूछी जाती है। ऑब्जेक्ट इक्वल टू लिविंग हो गया और दूसरा क्या हुआ, नॉन लिविंग। और यहीं पर दूसरा, अगर इस विधि से ऑब्जेक्ट को ना रखना चाहें तो दूसरी विधि भी आप जानते रहिए, ऑब्जेक्ट इक्वल टू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग प्लस टू प्लस लिविंग, एक दूसरा तरीका ये भी होता है। तो चाहे इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखें, चाहे इस फार्मूले से, दोनों में अंतर क्या है, जब किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएगा, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जब दो दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए, यानी लिविंग भी दिया रहे नॉन लिविंग भी दिया रहे, तो पहली वरीयता हम लिविंग को देते हैं, दूसरी वरीयता नॉन लिविंग को दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी कारण से नॉन लिविंग को आपने पहले रख दिया वर्ब के बाद सेंटेंस में, लिविंग को बाद में रखा, तो ध्यान देंगे इस लिविंग से पहले एक सिक्योरिटी गार्ड जरूर दे देंगे जिसका नाम टू है, यानी जब लिविंग वाला बॉर्डर पर जाएगा तो इसके साथ टू लगा देना है। बिना टू के अगर लिविंग को रखते हैं दो ऑब्जेक्ट होने पर, तो सेंटेंस गलत हो जाता है, स्पॉटिंग एरर आ जाती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, बातें और स्पष्ट हो जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, देखते हैं। जैसे हम कहें कि माई क्लास टीचर, माई क्लास टीचर, टीचर यहां दे दिया गया टीचेज मी हिंदी, माई क्लास टीचर टीचेज मी हिंदी डेली, ये मान लीजिए सेंटेंस है। अब जरा इसका देखिए स्ट्रक्चर, माई क्लास टीचर मेरे कक्षा अध्यापक टीचेज पढ़ाते हैं मी मुझे हिंदी, हिंदी पढ़ाते हैं डेली प्रतिदिन। अब इसमें अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में माई क्लास टीचर क्या हो गया, ये रहा सब्जेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। टीचर क्या हो गया, माई क्लास टीचर तक सब्जेक्ट हो गया। टीचेज ये रहा वर्ब, अब कैसा वर्ब नहीं पता, आगे देखेंगे अभी। ये मी, अब इसी वर्ब में दो प्रश्न करिए। पहला प्रश्न, जैसे हम आपको ठीक बताए थे, क्या पढ़ाते हैं किसे पढ़ाते हैं, माई टीचर टीचेज मेरे अध्यापक पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं किसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, यहाँ आंसर मिला हिंदी, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट ये हो गया हिंदी, एक ऑब्जेक्ट हुआ। और दूसरा किसे पढ़ाते हैं, आंसर के रूप में मिला मुझे पढ़ाते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो दो दो ऑब्जेक्ट आया डेली, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको हम अदर कह सकते हैं, इसको ऐसे ग्रामेटिकल टर्म में एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जाना जाता है, जो समय को इंडिकेट करता है, वर्ब के द्वारा प्रभावित हो और समय को बताए, उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में जानते हैं। अब इस सेंटेंस में देखा जाए तो दो दो ऑब्जेक्ट हमने लाया, एक तो मी लाया और दूसरा हिंदी लाया। मी लिविंग ऑब्जेक्ट है ये तो स्पष्ट है, और हिंदी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ये भी एकदम स्पष्ट है। तो पहले हमने किसको रखा, पहले लिविंग को रखा, इसके बाद नॉन लिविंग को रखा। अब इसी सेंटेंस को चाहें तो आपकी इच्छा है, इसको दूसरे तरह से भी आप रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, आप चाहें तो एग्जाम में आ जाए तो माई क्लास टीचर हो गया माई, यहाँ हमने लिख दिया क्लास टीचर, माई क्लास टीचर हो गया, फिर यहाँ हमने लिखा टीचर्स, टीचर्स हो गया। अब हिंदी को पहले हम कर दे रहे हैं, यानी अब इस फार्मूले पर चल रहे हैं, नॉन लिविंग को पहले लिख दे रहे हैं, हिंदी, हिंदी को हमने पहले लिख दिया हिंदी, इसके बाद लिविंग वाले को बॉर्डर पर ले जा रहे हैं, इसके पहले क्या देंगे, टू देना होगा, टू मी ये देना होगा। इसके बाद फिर अगला स्टेप ले लेते हैं डेली। अब इसे देखिए, हिंदी पहले आ गया, मी बाद में आया, तो इसलिए क्या लगाना पड़ा, टू। अगर यही टू ना लगाएं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम में स्पॉटिंग एरर के रूप में पूछी जाती है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ दे दिया जाता है, लिविंग वाले को बॉर्डर पर कर दिया जाता है, नॉन लिविंग को पहले कर दिया जाता है, और स्पॉटिंग एरर इसमें पूछ ली जाती है, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन गिवन सेंटेंसेस करके। तो ध्यान देना है भाई, अगर हम इस टू को नहीं रखेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। इस तरह से आपने लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, अच्छा हाँ एक बात और क्या हम आपको बताएं कि लिविंग वाले को इनडायरेक्ट कहा जाता है, नॉन लिविंग को डायरेक्ट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए
हिंदी को चाहे इधर रखें चाहे उधर रखें, ये नॉन लिविंग है, चाहे पहले बाएं रखा गया चाहे दाहिने रखा गया, इसके रखने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो पहले से मुर्दा उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से नॉन लिविंग है उसके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो लिविंग है उसको अगर दाहिने बाएं किए, यहां हमने पहले रखा, ये आराम से था, जब इसको कहे बेटा यहां से उठो तुम चले जाओ बॉर्डर पर, तरह अकेले नहीं जाएंगे, अपने साथ हम एक सिक्योरिटी गार्ड लेकर जाएंगे, तो अपने साथ एक शर्त लेकर चला। तो लिविंग ऑब्जेक्ट अपने साथ शर्त लेकर चल रहा है, तो शर्त लेकर चल रहा यानी अपने साथ कुछ और भी चुनौतियों को लेकर चल रहा है, यानी हमारे द्वारा या किसी वर्ब के प्रभाव से डायरेक्ट नहीं प्रभावित हो रहा, इनडायरेक्ट प्रभावित हो रहा। जब इसके साथ टू लगाएंगे तब ये सही हुआ, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से पता हो गया होगा, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी, और इसे अब अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। आप लोग जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। इतनी देर की क्लास आपको अगर अच्छी लगती है लाइक करना जरूर, लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अब और क्या, आगे एक कॉन्सेप्ट इसमें और बच रहा, कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट पार्ट का, उसको भी अगली क्लास में हम पढ़ा देंगे। तीन प्रकार का कॉम्प्लीमेंट होता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कैसे वर्ब का कोई कॉम्प्लीमेंट बनता, कैसे सब्जेक्ट का बनता, कैसे ऑब्जेक्ट का बनता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको कॉम्प्लीमेंट वाले चैप्टर में देंगे। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, लगातार सिस्टम से क्लास देखते रहिएगा। इंग्लिश में आपकी सारी डाउट हम सिस्टम से दूर कर देंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप वेल प्रिपेयर रहेंगे, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगी। आज इतना ही, थैंक यू।